दुबई की ट्रिप प्लान कर रहे हैं? वीजा, फ्लाइट, शॉपिंग, खाना पीना और दुबई के सबसे बढ़िया अनुभव मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दुबई में क्या देखना है, क्या खाना है, होटल्स, साइट सीइंग और बहुत कुछ। और इस ट्रिप को मजेदार के साथ थोड़ा सा बजट फ्रेंडली कैसे बनाएं, इसके भी कुछ टिप्स बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है दुबई। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर आधुनिक और प्राचीन संस्कृति का मेल है। एक तरफ है दुबई के पारंपरिक मार्केट्स या सूक और दूसरी तरफ है आलीशान मॉल्स, आसमान को छूने वाली बिल्डिंग्स और कितने सारे पर्यटक स्थल। और इन सभी जगहों पर घूमने के लिए सबसे बेहतर समय है नवम्बर से मार्च के बीच। इस वक्त मौसम बहुत ही सुहाना रहता है और गर्मी से भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती। यहाँ पहुँचने के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे भारत के कुछ प्रमुख शहरों से आपको दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। इसकी वन वे टिकट की कीमत 10 से 15,000 से शुरू होती है। एयरलाइंस और सीजन टाइम के हिसाब से फ्लाइट के रेट्स ऊपर भी हो सकते हैं और मैं सलाह दूंगी कि आप इन्हें 3-4 महीने पहले ही बुक करें ताकि आपको सबसे अच्छी डील मिले। भारत और दुबई के बीच एमिरेट्स की काफी फ्लाइट्स है क्योंकि एमिरेट्स दुबई और अरब राज्यों की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इनकी मुंबई से दुबई की वन वे फ्लाइट की कीमत बजट एयरलाइन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर इस फ्लाइट में सफर करना अपने आप में एक अनुभव है। फ्लाइट के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है वीजा। ब्रिटिश और अमेरिकन नागरिकों के लिए दुबई में वीजा ऑन अराइवल है। अगर आप भारतीय है और आपके पास अमेरिका का वैलिड वीजा है तो भी आपको वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है। यानी दुबई में पहुंचकर आप मरहबा काउंटर पर जाकर ये वीजा ले सकते हैं। इसकी कीमत है करीब 120 दिरहम्स जो कि है 2,700 रुपए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको इंडिया में ही टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं या एजेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। वीजा की कीमत उसकी वैलिडिटी के हिसाब से होती है। 14 दिनों की टूरिस्ट वीजा की कीमत है करीब 8,000 रुपए। इसके लिए अप्लाई करने के बाद ये टूरिस्ट वीजा ज्यादा करके एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें मिल जाती है। तो टिकट और वीजा को मिलाकर इस ट्रिप का आने जाने का खर्चा करीब 35,000 से 40,000 के आसपास हो ही जाता है। एक बार आपकी टिकट और वीजा कंफर्म हो जाए फिर आप यहाँ रहने की जगह ढूंढ सकते हैं। दुबई के दो हिस्से हैं, ओल्ड दुबई या पुराना दुबई या बर दुबई और नया दुबई। इन दोनों एरियाज में होटल्स और अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ओल्ड दुबई या बर दुबई एरिया में रहने के चार्जेस ज्यादा रीजनेबल है। ये है मजेस्टिक सिटी रिट्रीट होटल। ये है दुबई के मंखूल एरिया में और ये रहा इनका इकोनॉमी रूम और इसकी प्राइस है करीब 4,700 रुपए। इसमें खाने के चार्जेस शामिल नहीं है। ये अल फैदी और बुर्जुवन मेट्रो स्टेशन से बस 15 मिनट की दूरी पर है। दुबई में घूमने के लिए मेट्रो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप होटल बुक करते वक्त स्टेशन के पास करेंगे तो बेहतर है। मेट्रो से आप दुबई के मॉल्स और पर्यटक स्थलों पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं और ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी है। घूमने के लिए आप टैक्सी या पब्लिक बसेस भी ले सकते हैं। बसेस और मेट्रो में यातायात करने के लिए नोल कार्ड लेना जरूरी है, इससे आपका सफर और आसानी से होता है। ये कार्ड मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर मिलता है। इसे ऑनलाइन करने के लिए आप नोल पे ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दुबई में करने के लिए कितना कुछ है और उनमें से एक चीज है शॉपिंग। अगर आप खास करके शॉपिंग करने ही दुबई आए हैं तो मैं सलाह दूंगी कि आप 2 दिसंबर के आसपास यहां आएं, जो कि इनका नेशनल डे है। इसके दौरान 2 से 4 दिनों की छुट्टियां होती है और सभी मॉल्स में बहुत सारी भीड़ भी होती है क्योंकि वहां बहुत सारे सेल और ऑफर शुरू होते हैं। शॉपिंग और बेहतरीन डील्स के लिए दुबई शॉपिंग फेस्टिवल भी अच्छा है जो दिसंबर से जनवरी के बीच होता है। इन सेल्स के दौरान सारी दुकानों में बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स में सेल लगते हैं और बहुत ही अच्छी कीमत में चीजें मिल जाती है। ये सारी शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर है अनगिनत मॉल्स और स्टोर्स। दुबई का सबसे मशहूर मॉल है दुबई मॉल। ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है और हमेशा ही लोकल्स और टूरिस्ट से भरा रहता है। ये मॉल इतना बड़ा है कि स्टोर्स खोजते खोजते आप इसमें गुम हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि मॉल के अंदर आप फोन पर दुबई मॉल का ऐप डालकर मैप खोल सकते हैं और ये आपकी लोकेशन से आपको जहां जाना है वहां तक का रास्ता दिखा देता है। इस मॉल में ये 3 चीजें
आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, वो है ये ह्यूमन वाटरफॉल, ये एक्वेरियम जिसे आप बाहर से मुफ्त में देख सकते हैं, और ये डांसिंग फाउंटेन्स। ये फाउंटेन्स लास वेगास के बेलाजियो जैसे बनाए गए हैं और ये हर शाम 6 से 11 के बीच शुरू होते हैं। ये पानी वाली साइड पर है और यहाँ से दिखती है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। शाम में इस पर ये लाइट्स जगमगाती रहती हैं और बुर्ज खलीफा को देखे बिना तो दुबई की ट्रिप अधूरी है। आप बुर्ज खलीफा के अंदर भी जा सकते हैं और 125वें फ्लोर से दुबई का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। इस अनुभव के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है जिसकी कीमत है करीब 170 दिरहम्स, जो कि करीब 4000 रुपए प्रति व्यक्ति है। दुबई मॉल के अलावा भी बहुत सारे मॉल्स हैं, जैसे कि मॉल ऑफ द एमिरेट्स, इसमें स्की दुबई भी है। दुबई हिल्स मॉल यहाँ के नए मॉल्स में से एक है और क्योंकि ये नया है, ये दुबई के बाकी के मॉल से काफी अलग बना है। फिर ये है दुबई का सबसे पहला मॉल अल गुरैर सेंटर, ये भी मेट्रो स्टेशन के पास है और ये मॉल बाकियों से थोड़ा छोटा है, पर यहाँ शॉपिंग करने का अपना अलग ही मजा है। यह है इब्न बटूटा मॉल, जो दिखने में बहुत ही दिलचस्प है, और यह है मर्डिफ सिटी सेंटर, और ये सारे मॉल्स मेट्रो स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर है। इन सभी मॉल्स में बड़े बड़े स्टोर्स, फूड कोर्ट, स्पेशल रेस्टोरेंट्स और करने के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज भी है, और दुबई की ट्रिप इन मॉल्स को देखे बिना मान लो अधूरी है। शॉपिंग करें या ना करें, इन मॉल्स में जरूर घूमें। दुबई में एक मजेदार शाम बिताने आप आ सकते हैं दुबई मरीना। इस जगह में बहुत चहल पहल है और यहाँ से आप स्पीड बोट लेकर दुबई का कमाल का नजारा एंजॉय कर सकते हैं। इस बोट राइड में इनके टूर गाइड हमें सारी जानकारी देते हैं। मरीना से दुबई आए और मरीना बीच से आगे बढ़ते हुए ये मरीना की कमाल की स्काईलाइन दिखती है, और इस राइड में आपको अटलांटिस, बुर्ज अल अरब जैसे बड़े होटल्स भी दिखते हैं। ये बोट राइड करीब 90 मिनट्स के लिए चलती है और इसकी कीमत है 160 दिरहम, जो कि है 3000 रुपए लगभग। इसके पासेस आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बोट राइड के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है। ये है मरीना वॉक, यहाँ से हम मरीना बीच पर आ सकते हैं और इसके बीच का रास्ता बहुत सुंदर है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स और दुकानें हैं, और यहाँ से 5 या 10 मिनट चलकर आप मरीना बीच पहुँचते हैं। मरीना की स्पीड बोट इसी किनारे से गुजरती है। अगर आप स्पीड बोट में सनसेट नहीं एंजॉय कर पाए तो यहाँ आकर कर सकते हैं। सनसेट के बाद सारी लाइट्स जल जाती है और यहाँ पर बैठे बैठे इसे देखना बहुत ही बढ़िया अनुभव है। यहाँ पर है मरीना मॉल, और वैसे ये दुबई के बाकी मॉल्स जैसा ही है, लेकिन इसकी खास बात है इसकी लाइटिंग। ये हर समय साल के सारे दिन इसी तरह जगमगाता रहता है। दुबई मरीना से मोनोरेल लेकर आप पाम जुमेरा आ सकते हैं। इस मोनोरेल के सफर में बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है। इसे और अच्छे से देखने के लिए सबसे आगे वाले सीट पर जरूर बैठे। ये है पाम जुमेरा, ये एक कृत्रिम आइलैंड है और इसका आकार खजूर के पेड़ के जैसा है। इस आइलैंड पर सुंदर सुंदर विलाज और अटलांटिस होटल है। ये एक 5-स्टार होटल है और इसके अंदर आप मुफ्त में घूम सकते हैं, लेकिन इनके वाटर पार्क और एक्वेरियम के लिए एंट्री फी भरनी पड़ती है। यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये दुकानें थोड़ी हाई एंड हैं, लेकिन सब कुछ बहुत ही शानदार है। ये सारी जगहें काफी नई और आलीशान है, लेकिन इतिहास में दुबई एक रेगिस्तान वाली जगह थी और आज भी कुछ हिस्से रेगिस्तान जैसे रखे हुए हैं, तो उसका अनुभव लेने आप डेजर्ट सफारी के लिए जा सकते हैं। एक और जगह जो दुबई के पुराने और पारंपरिक संस्कृति को बरकरार रखती है, वो है ये सूक। सूक मतलब पुराने अरब स्टाइल के बाजार। मसालों से लेकर सोने चांदी के गहनों तक सब दुकानें हैं यहाँ। ये सूक बहुत ही बड़े हैं और यहाँ हर तरह की दुकानें हैं, और कुछ चीजों के लिए आप थोड़ा बार्गेन भी कर सकते हैं। बर दुबई सूक, गोल्ड सूक और पुराना मीना बाजार, ऐसे कई मार्केट्स आप घूम सकते हैं। इन पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। सूक के आसपास भी कुछ मजेदार एक्टिविटीज हैं, जैसे कि ये अबरा राइड। ये बर दुबई सूक के पास है। ये एक वाटर टैक्सी जैसा है। इसकी कीमत है सिर्फ 1 या 2 दिरहम। दूसरी साइड जाने के लिए ये सबसे सस्ता ऑप्शन है और बहुत ही मजेदार अनुभव है। दुबई की एक और खास बात है इसकी बिल्डिंग्स और रचना। ये सब इतनी अनोखी है, इनके शेप्स, इनकी हाइट, और कई जगह आपको इतनी सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल एक जैसी एकदम सिमेट्रिकल दिखेंगी। इनमें से कुछ तो जाने माने मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई क्लॉक टावर, और फिर ये दुबई फ्रेम। ये सब दूर से जितने ही आलिशान और बढ़िया दिखते हैं, अंदर से आपको उतना ही आश्चर्यचकित करेंगे।
अब आते हैं खाने पर। भारतीय रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड, मिडल ईस्टर्न खाना, अमेरिकन फूड चेन्स, सब कुछ है यहाँ। अगर आप स्वादिष्ट इंडियन खाना ढूंढ रहे हैं तो बरदुबई एरिया में आए, यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ, आप इंडियन के अलावा लेबनीज खाना भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट के खाने के प्राइसेस और स्ट्रीट फूड के खाने के प्राइसेस में काफी फर्क है। स्ट्रीट फूड के दाम थोड़े से कम है, तो अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप करना चाहते हैं तो अपना खाना इन अलग अलग स्ट्रीट फूड जॉइंट्स पर ट्राई करें या तो फिर मॉल्स के फूड कोर्ट में ट्राई करें। दुबई की ट्रिप प्लान करते वक्त सबसे पहले टिकट, वीजा और होटल बुकिंग कर लें। उसके लिए आपको 30 से 50,000 रुपए लग सकते हैं। ये कम से कम अमाउंट है और आप कितने दिन ठहर रहे हैं उस पर भी ये निर्भर करता है। फिर आपको कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कैसे तरह का खाना ट्राई करना है, घूमने फिरने के लिए कैसे जाना है, ये सब तय करके आगे का बजट समझ सकते हैं। अगर आप स्काई डाइविंग, डेजर्ट सफारी, बुर्ज खलीफा जैसी चीजें देखना चाहते हैं तो ये सब महंगी चीजें हैं। इन्हें अनुभव करने के लिए इतने ज्यादा पैसे भी लग जाते हैं। इन सभी की प्राइसेस आपको इंटरनेट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, तो ये आप अपने जरूरत के अनुसार ढूंढ सकते हैं। और बाकी की जो बुकिंग और लोकेशन डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इसमें से थोड़ी हेल्प हो गई अपनी दुबई की ट्रिप प्लान करने में, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जिनके साथ आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए। और अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।